करनाल के दयाल सिंह कॉलेज में 70वीं एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। इस मौके पर कॉलेज के खेल विभाग प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन खेलों का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। उन्होंने कहा कि इन खेलों में उनका प्रयास रहता है कि कॉलेज का कोई भूतपूर्व विद्यार्थी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करे और अपनी उपलब्धियों को साझा करे। इस अवसर पर जैवलिन थ्रो, मटका रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद के अलावा अन्य खेलों में खिलाड़ियों द्वारा अपना प्रदर्शन कर प्रतिभा दिखाई गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के चलते खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भाग लेने से रोजगार के अवसर भी प्रदान होते हैं। उन्होंने कहा कि नवदीप सैनी, जो खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहा है, वो दयाल सिंह कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। देखिए खेलों की कुछ आकर्षक झलकियां। इसके बारे में बताइए। ये हमारी 70वीं जो है 2 दिवसीय वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के अंदर हम खिलाड़ियों का दमखम देखते हैं रेसिस में, थ्रो इवेंट्स में, जैसे शॉर्ट पुट हुआ, जेवलिन थ्रो हुआ या डिस्कस थ्रो हुआ, और जंप्स में, हाई जंप्स, लॉन्ग जंप्स। तो 2 दिन ही हमारी ये प्रतियोगिता चलती है। और इसमें खास बात ये है कि हम जो दोनों दिन मुख्य अतिथि जो हमारे होते हैं ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे, वो एक कॉलेज का पुराना विद्यार्थी होता है। जैसे कल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अमित लुधरी हमारे ओपनिंग फंक्शन पे आए, और आज जो है सरदार हरभजन सिंह जी जो हमारे क्लोजिंग पे मुख्य अतिथि हैं, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री राजीव कुमार जी को भी बुलाया है, और वो किसी मीटिंग में है, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक वो हमें ज्वाइन करेंगे। इस 2 दिन की प्रतियोगिता में जो बेस्ट एथलीट बॉयज में से और एक गर्ल्स में से हम छांटते हैं, और जिनको तकरीबन हम 3500 रुपये के प्राइज गिफ्ट इस बार देने वाले हैं। इसके साथ साथ एक हमारे पुराने विद्यार्थी ने भी बेस्ट एथलीट के लिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग से 2100-2100 रुपये का जो है प्राइज अपनी तरफ से घोषित किया। सर, आज कौन कौन से स्पोर्ट्स खेल यहाँ पे खेले जा रहे हैं? आज 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर हर्डल है, चैटी रेस है, और 3 लेग्ड रेस है बॉयज़ गर्ल्स की अलग अलग, और 200 मीटर की रेस थी लड़कियों की, और 400 मीटर की बॉयज़ की रेस थी। क्या पर्पज रहता है? बच्चों में खेल कूद का प्रोत्साहन देना, ताकि उसमें आपस में भाईचारा बढ़े और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो ये हमारे रोजगार के भी कुछ अवसर है खेलों में? ये हमारा कॉलेज लेवल पे, वैसे हमारे विद्यार्थी जो है ना खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने छाप छोड़ रहे हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण तो नवदीप सैनी का है, जो हमारे कॉलेज का एक विद्यार्थी है और क्रिकेट में आज देश को न्यूजीलैंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।